मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कभी एनसीपी की घड़ी में अपने आने वाले कल को देखकर मुस्कुराया करते थे तो कभी बीजेपी के साथ मिलकर कीचड़ में कमल खिलाया करते थे, मगर अब ये जनाब अपने हाथों में झाड़ू लेकर शहर की सफाई करने के लिए सड़कों पर उतर गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नूरुद्दीन नाइक की, जो इन दिनों आम आदमी पार्टी की रैली में नारे लगाकर खूब सुर्खियों में है। नूरुद्दीन नाइक ने आम आदमी पार्टी में रैली के दौरान कोकण समुदाय पर तंज कसा, कहा कि आमदार से पैसे लेते हैं और उनके लिए काम करते हैं, जिसके बाद नूरुद्दीन नाइक के खिलाफ कोकण समुदाय में काफी नाराजगी है। दाऊद चौगुले, मौलाना जाकिर साबले, गुलाम सरफरे, इन लोगों को आमदार से पैसे लेने की बात कही है। इसके अलावा दर्द मंदाने जो तंजीम है उस पर भी टिप्पणी की है। दाऊद चौगुले, मौलाना जाकिर साबले, गुलाम सरफरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा है। यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जा रही, चालू से ली जा रही है कि पिछले आपकी जो एक रैली निकली थी उसके अंदर एक नूरुद्दीन नाइक साहब यहाँ पर जो एक अपने आप को बिल्डर बोलते हैं कि मैं महा सोशल वर्कर हूँ, जबकि उनके कोई औकात जो है ना इसको हमारे कोकनी समाज में और मुमरा में कुछ है ही नहीं। तो उस शख्स ने जो है हम तीन लोगों के ऊपर खास तौर से एक इल्ज़ाम लगाया कि भाई हम लोग जो है अवार्ड साहब के पैसा लेके जो है वो सब ये कोकनी समाज को इकट्ठा करते और काम करते करके, तो उसकी जो है तस्दीक के लिए आज हम लोग ने आप लोगों के सामने बुलाया। जैसे मैं, मेरा नाम है दाऊद अब्दुल करीम चौगले, दाऊद भाई चौगले के नाम से जानता हूँ। ये मौलाना जाकिर साबले साहब है और गुलाम चरफर है। खास तौर से इन तीनों का नाम जो उन्होंने अपने इसमें लिया है कि इन लोगों ने जो है पैसा खाया, और ये भी उन्होंने लगाया कि एक मौलाना जाकिर साबले ने मुझे बताए थे कि पिछले साल मैंने पैसा लेके गुलाम चरफर दाऊद को दिया। हालांकि मैं एक इस्लाम के ताल्लुक से बताता हूँ कि किसी मुसलमान के ऊपर बदगुमानी करना और तोहमत लगाना एक कुफ्र है, और ये नूरुद्दीन नाइक ने जो अपने औकात को भूल गए थे, कहते हैं कि बन मुट्ठी 1.25 लाख की होती है, वो मुट्ठी आज उन्होंने खोल दिए और अपने औकात को बताना चाहते हैं कि हम लोगों को अगर पैसा लेके काम करने होता तो आज जो ये मीटिंग हुई हमारे यहाँ पर जो दावा साहब के लिए, तो हज़ारों लोग हमारे आवाज़ पर लब्बैक कहते नहीं आता हूँ। मैं उनके औकात आपको बताऊँ क्या है करके, 2014 में यहीं पर मीटिंग हुई थी आवाज़ साहब के लिए ऑल कोकण रहवासी संघ की जानिब से, जब इन्होंने ये ऑर्चिड चैम्बर के अंदर जो है ना MIM की मीटिंग ली, वो MIM में घुस गए थे, जबकि MIM की मीटिंग लिए वहाँ 40 लोग थे और यहाँ जबकि 1300-1400 लोग यहाँ पर मीटिंग में हाजिर थे। वहाँ के लोग हमारे पास आए, बोले भाई हमारा कोई नहीं था, सब टाइट है फिश। जब वहाँ से निकल गए, देखा कुछ होता नहीं, तो आवाज साहब से दोस्ती कर ली, और फिर स्टेडियम में सुबह से लेकर शाम तक आवाज साहब के गले में हाथ लेके घूमते थे, बोले मैं NCP में आ गया। आवाज साहब की जो तारीफ के वो मतलब पुल बांधते थे, लेकिन जब कुछ उनका मकसद आवाज साहब ने हल नहीं किया तो उन्होंने फिर आवाज साहब को छोड़ दिया। और यहाँ बीजेपी की जो तंजीम जिसमें रिदा रशीद नाम एक लेडी जो है वो सदर बन गई, तो उसके पीछे घूमने लगे। अब पता चला वहाँ पर भी उनका कुछ काम नहीं हुआ ना, तो उसको छोड़कर फिर कहाँ गए, बोले अभी 10 दिन पहले आप पार्टी के इसमें जो गए थे और अभी बात देखा कि कल वो मोर्चे के अंदर आपकी टोपी भूल गए और फिर MIM का झोला अपने लाल में। तो ये ऐसा शख्स जो कि अपने खाली मफाद के लिए हर साल हर 6 महीने के अपनी पार्टी बदलता है, वो अपने कौम की खिदमत क्या कर सकता है। देखिए, पहले तो मैं किसी का नाम लेके उनको बड़ा करना पसंद नहीं करूँगा। जो इंसानियत की बात करें उनसे बात करना मुझे अच्छा लगता है। जिसको खुद का ही कुछ वजूद नहीं है, जो मदरसे के नाम पर पैसे खाते हैं और जो एक पानी की लाइन अपने मदरसे को नहीं ले जाकर दे सकते, उसके भी पैसे हम भरते हैं, ऐसे लोग अगर हमारे जिम्मेदारान पे अगर इल्ज़ाम लगाते हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और जहाँ तक मैंने आज में मुझे पॉलिटिकली 12-13 साल हो गए, मैंने देखी हमेशा एक कुछ लोग जो है अपने मफाद के लिए पॉलिटिकली पार्टियों का इस्तेमाल करते हैं, जब अपनी ज़रूरियात पूरी हो जाती है तो निकल के चले जाते। लेकिन उन्होंने जो बात अब की है कि कोकनी समाज ये खाने पे जाता है या हराम का खाता है, तो ये गलत अल्फाज है। मैं नेता बनने से पहले, मैं एक नगर सेवक होने से पहले एक इंसान हूँ, मुझ में भी जान है और मैं कोकनी समाज से वास्ता रखती हूँ। तो ये अल्फाज जो थे ना उनके एकदम ही गलत है, क्योंकि वो खुद भी कोकनी है, मतलब वो भी हराम का खाते हैं, वो खुद हराम का खाने वाले हैं, इसके लिए वो दूसरों पर तोहमत लगा रहे। हराम के खाने वालों को कुछ भी हक नहीं बनता है कि वो दूसरों पे तोहमत लगाए, और जिस दिन उन्होंने ये हमारे जिम्मेदारान पे उन्होंने तोहमत लगाई है उस दिन से तो हमारे नज़र से वो उतर गए। मुझे नहीं लगता कि उनमें एक जात का खून भरा हुआ है। लाहौल वाला कुवत, ये अल्फाज उन्होंने बोलना गलत था, क्योंकि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोकनी समाज दूसरों के लिए मदद करता है। कौसा गाँव जो है आज भी माना जाता है कि उन्होंने अपनी जाती ज़मीन मस्जिद के लिए दी, अपनी जाती ज़मीन कब्रस्तान के लिए दी। ये कौसा कोकनियों का ही था, ये कोकनी जमात वालों ने ही, कोकनी लोगों ने ही कौसा के लिए मस्जिद की अपनी पर्सनल जगह दी ना, उन्होंने दी आज तक जगह नहीं दिए।
और आज जब हमारे कब्रिस्तान में जगह कम पड़ने लगी और ये वही गांव है कि जहां लोग बाहर से अपनी रोजी रोटी के लिए आए और हमारे गांव वालों ने, और मैं तो बोलती हूँ कोकनी समाज ही क्यों, हिंदू मुस्लिम हम सब एक मिलकर रहे हमारे गांव में, और ये वही गांव है जब राइट्स हुए तो लोग अपनी रोजी रोटी के लिए, घर के लिए, अपनी छत के लिए यहाँ पर आए और हमारे लोगों ने उनको सहारा दिया। ये वो गाँव है, तो जिस गांव के लोग अगर लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, उनको उनकी छत दे सकते हैं, उनको रोजी दे सकते हैं, तो उनको तुम क्या खिलाओगे और कौन क्या देगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे समाज वालों ने कभी ना व्हाट्सएप पे कोई इल्ज़ाम लगाया, ना उनसे किसी पैसे की मांग की, ना कोई चीज़ की डिमांड की, और हमारी एक ताकत हमने कल दिखाई जिसके लिए इनको कहीं ना कहीं हसद पैदा हुई, जिस हसद की वजह से आज उन्होंने ये गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। और हम हमारे सभी जिम्मेदारान के साथ एकदम पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे और उनके उनसे हम ये कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और मानहानि का दावा करेंगे कि आप प्रूफ करके बताओ। हम सब एकजुट है, आपने कोकनियों को गाली दी है, ये गाली हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस मैं इतना ही मैसेज आप लोगों के जरिए यहाँ से भेजना चाहती हूँ। वहीं अब नूरुद्दीन नाइक से सबूतों की मांग की जा रही है, अगर नूरुद्दीन सबूत नहीं दे पाए तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं नूरुद्दीन नाइक पर भी कई आरोप लगाए गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या नूरुद्दीन नाइक अपने कहे अल्फाजों का सबूत दे पाएंगे या नहीं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।